अब आपको बताते हैं कि किन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि आपका बुध आपको शुभ फल दे रहा है, आपकी कुंडली में मजबूत है। जिनका बुध कुंडली में मजबूत होगा, शुभ फल देगा, ऐसे लोग हमेशा युवा दिखाई देते हैं, यंग दिखाई देते हैं, और ऐसे लोगों का चेहरा चमकदार होता है, ब्राइट होता है। जिनका बुध शुभ फल देता है, ऐसे लोग हाजिर जवाब होते हैं और सटीक बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं। ऐसे लोग चीजों को तुरंत समझ लेते हैं और चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं। जिनका बुध शुभ फल देता है, ऐसे लोगों को सुगंध का शौक होता है और ऐसे लोग दुर्गंध से दूर रहते हैं। आम तौर पर धन के क्षेत्र में या समझाने सलाह देने वाले क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं, जहां पर पैसे रुपए का काम हो या जहां पर बोलने का काम हो, समझाने सलाह देने का काम हो, वहां पर बुध वाले लोग ज्यादा रहते हैं। और जिनकी कुंडलियों में बुध के फल शुभ होते हैं, ऐसे लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के उपासक होते हैं, ज्यादातर भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करते हैं। अब अगर लक्षणों से आपको समझ में आ गया कि आपका बुध सूटेबल नहीं है, आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, तो क्या उपाय करेंगे जिससे बुध से शुभ फल मिलना शुरू हो जाए? पहले नंबर पर दुर्गंध से दूर रहिए। जितना संभव हो सुगंध का प्रयोग करिए और हरे रंग का भी खूब प्रयोग करिए। सुगंध और हरे रंग का प्रयोग करना अच्छा होगा। अगर बुध से शुभ फल लेना है तो बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग मत करिए। बुध से शुभ फल लेने के लिए खान पान में हरी सब्जियों का बहुत इस्तेमाल करिए। एक कांसे का छल्ला, ब्रॉन्ज का छल्ला अपनी सबसे छोटी उंगली में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। और प्रातः काल बुध के मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का अगर नित्य प्रातः आप जप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।